ये राशि बहन, मैं माफी मांगने आई हूँ। वो मैं कभी नानी बनी नहीं ना, तो नानी के मन की बात समझ नहीं पाई। आपके जाने के बाद समझ में आया कि मैं गलत थी। मैंने गलत किया एक नानी के साथ भी और एक माँ के साथ भी। आपकी बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत उसके माँ की है, इसीलिए उसे यहाँ लेकर आई हूँ, मेरी सहेली के पास। थैंक यू देवयानी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी जो कुछ आपको कह दिया गुस्से में, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप लोग भी ना, अभी कुछ देर पहले कुछ और। तो चुप कर, हमारी आपस की लड़ाई है, हम खुद सुलझा लेंगे, तू बीच में मत बोल। और हम तो सहेलियां हैं, सहेलियों में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है ना? अक्षरा, अब मैं चलूं? चलती हूँ। खूब मजे करना अपने मायके में। और मैंने तो छोटू बेबी से पहले ही कह दिया, चाहे जितना भी मन करे बाहर आने का, बाहर आना तभी जब अक्षरा उस घर में वापस आएगी। क्यों, नानी के घर नहीं आ सकता क्या? है तो, पर बच्चा तो तभी आएगा जब अक्षरा घर लौटेगी, देख लीजिएगा। लगी शर्त? ठीक है, लगी। वैसे बैठ लगाना गंदी बात, और बेबी कहीं पर भी आए, सबसे पहले अपने बिग ब्रदर की गोदी में आना चाहिए, है ना मामा? जस्मीन, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? कुछ भी नहीं दीदी। इधर आओ मेरे पास। इससे क्या हुआ? हाँ, ये इस तरह अचानक भाग के क्यों चली गई? चीकू बेटा, अनन्या अपने कमरे में है ऊपर, जाओ तुम भी खेलो। ओके। बताइए तो क्या बात है, क्या हुआ? वो जसमीत को फोबिया हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी को देखकर डर लगता है। आज की मीटिंग से काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आपको क्या लगता है मैं कब तक निकल पाऊंगा? शायद आज या मैक्सिमम कल। सुना आपने? अच्छा, मतलब इतने महीनों से जसमीत को मेरी वजह से परेशानी हो रही थी, और आप में से किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्यों माँ? वर्षा, तू तो बता सकती थी ना। बेटा, हमें खुद भी तो अभी पता चला ना, कुछ दिन पहले। अंशु उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, उन्होंने कहा कि समय लगेगा पर ठीक हो जाएगी जसमीत। हाँ काकी, हमें उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसे ठीक करके रहेंगे। राशि बहन, वो आप बुरा मत मानिए, पर अब अक्षरा यहाँ रहेगी तो अक्षरा और जसमीत एक दूसरे के सामने तो आएंगे ना, फिर कहीं मुश्किल ना हो जाए। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपकी बात बिल्कुल सही है देवयानी बहन, एक बेटी को खुश करने के लिए मैं दूसरी को दुखी कैसे कर सकती हूँ? और अक्षरा को तो उसके घर भेज सकती हूँ, पर जसमीत का तो घर यही है ना। अक्षरा बेटा, माफ कर दे अपनी माँ को, और तू भी माफ कर दे नानी को। जा तू घर जा। रखना नहीं चाहती हैं माँ तो अलग बात है, पर अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहती हैं ना, तो फिर एक रास्ता है। अब देखिए, आजकल एक्सचेंज ऑफर का जमाना है, तो क्यों ना एक एक्सचेंज ऑफर हम भी ले लें। छोटी माँ यहाँ अपनी बहू को लेकर आई, तो वो अपनी बहू को यहाँ छोड़ के जाएंगी,
और आपकी बहू को अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे तो जसमीत भी खुश हो जाएगी और वहाँ उसका मन भी लग जाएगा करिश्मा मुस्कान के साथ। हाँ अंशु, लेकिन एक बार जसमीत से भी पूछ लेना कि उसकी मर्जी है। थैंक यू दीदी। दीदी मैं बस अभी अपना सामान लेके आती हूँ। सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं जसमीत, तुम सॉरी मत कहो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। इनफैक्ट मैं और छोटू बेबी दोनों तुमसे सॉरी कह रहे हैं कि हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। नहीं दीदी प्लीज, आप, मैं तो खुद चाहती थी कि आपकी हर खुशी में शामिल हूँ। उसके लिए हर वक्त सामने होना जरूरी नहीं है जसमीत। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो दिल के बहुत करीब होते हैं, और अगर वो दूर भी हो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षरा दीदी आप सचमुच बहुत प्यारी। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तुम भी वहां खूब मजे करना। भगवान करे ये प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए यूं ही बना रहे। जी बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद रहा तो जरूर बना रहेगा। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। जी आंटी। अच्छो सुनना, तू अपना वो स्पेशल गोलगप्पे वाला पानी बनाना, अक्षरा को बहुत पसंद है। मैं तब तक मेवे के लड्डू बनाती हूँ। वर्षा जा बेटा, तब तक तू भंडारगढ़ से सौंठ और शुद्ध देसी घी निकाल ला। माँ बैठिए, इधर इधर आइए। तू बैठना बेटा। आप बैठिए बैठिए, आराम से बैठो। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जानती है इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? क्या मक्खन मलाइयाँ खा रही है मोटी? पहले मक्खन मलाई खाऊंगी दादी की, उसके बाद अंशु के गोलगप्पे खाऊंगी, और फिर उसके बाद चाट पापड़। खा बेटा खा, अच्छे से खा। और शौर्य तू नजर ना लगा मेरी सोन चिड़ैया को। हाँ ये ले बेटा गर्म पानी की बोतल, आराम से कमर के दर्द से आराम मिलेगा। हमने ना तेरे होने वाले बेबी के लिए कपड़े बनाए हैं, ये देख। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। ये लड़का हो या लड़की कोई भी पहन सकता है। क्या बात है, देवरानी जेठानी बड़ी स्मार्ट हो गए हो। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज नैतिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खिड़की के बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आज तो तारे भी नहीं दिख रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप अच्छे से देखिए ना अच्छा, वो खिड़की का ना लेफ्ट वाला दरवाजा, उसे खोल के देखिए आप। सॉरी नैतिक, मैं वहाँ नहीं हूँ अपने घर पे, मैं माँ बाबू जी के यहाँ आई हूँ। क्या आप वहाँ कैसे पहुँच गई है, मुझे बताया भी नहीं आपने। सॉरी नैतिक, मैंने आपको फोन किया था ना, आप बिजी थे, फिर उसके बाद मैं भूल ही गई। आप मैसेज तो कर सकती थी ना अक्षरा। अरे आपको पता नहीं मैंने आपके लिए कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। सो सॉरी नैतिक। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं,
जब भी सरप्राइज देने जाता हूँ ना उल्टा ही सरप्राइज हो जाता। अच्छा सॉरी ना, आप ऐसे ही बता दीजिए क्या था, बोलिए। नहीं बताऊंगा, सारा मूड आपने खराब कर दिया। बुरा मान गए, सीधी सी बात है, यही चीज अगर मेरे साथ हुई होती तो मुझे भी बुरा लगता ना। इतनी रात को घर भी वापस नहीं जा सकती हूँ, क्या करूं? आइडिया, मुस्कान। क्या अक्षरा, पूरा मूड ही ऑफ कर दिया आपने। इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था और आपने सब मिस कर दिया। अचानक अक्षरा को क्या हुआ, बस क्यों रही है ऐसे? देख क्या हो बाबूजी? नहीं नहीं अंशु बेटा, रहने दो, पति पत्नी के बीच की बात होगी। बहुत ही क्यूट सरप्राइज था, पापा टू बी टू की तरफ से मम्मा टू बी टू के लिए। कैसे देखा आपने? देख लिया, और वैसे भी देखने की क्या जरूरत है, ऐसी चीजें तो महसूस की जाती है। जैसे मैं महसूस करती हूँ आपको हर पल अपने आस पास। कब आएंगे नेते? कुछ कहूंगा नहीं अक्षरा, क्योंकि वादा करके तोड़ना नहीं चाहता। जल्दी आइएगा। कोशिश करूंगा। वैसे एक सरप्राइज तो पूरा हो नहीं सका, हो सकता है कोई और सरप्राइज दे दूं। सच्ची? अरे मैं मजाक कर रहा था। जाइए, बड़े खराब हैं आप, मैं नहीं बोलती आपसे। बाय। सर कोर्ट में सब क्लियर हो गया है, बस हमें कल एक मीटिंग और करनी है, उसमें मुझे लगता है कि घर वालों का अनुमान है कि एक अपहरण का मामला है और अक्षरा किसी जानकार व्यक्ति ने ही किया है। क्यों? ले बेटा गर्म पानी और कुर्सी रख दी है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। कुछ नहीं चाहिए माँ, आप मत खड़ी रहिए, मैं सब कर लूंगी। आराम से रहना। और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में सुनिए कैसे बना एक त्योहार जनता के जी का जंजाल। कंपनी के क्रेडिट कार्ड से टिकट्स बुक हुई है शहर में किसी लोकल त्योहार के चलते। मतलब नैतिक आ रहे हैं? अपना बहुत खराब है नैतिक, इसीलिए सरप्राइज वाली बात कर रहे थे। आसपास के गांव और शहरों के लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए एक जगह बहुत खुश हूँ। नैतिका वापस आ रहे हैं। इस बारे में कोई भी खबर ना होने की वजह से उनके पास किसी भी तरह का प्रबंध है, इसमें ट्रैफिक जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए लोगों से निवेदन है घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार। सब तैयारी हो गई, बस अक्षरा नहा के आ जाए तो एक एक करके उसके लिए वो सब करें जो हमने सोच रखा है। आपने सब मम्मा के लिए तैयारी करी है, मेरे लिए कुछ नहीं ना? अरे बेटा जो मम्मा के लिए है वो आपके लिए भी तो है। सच्ची ना? माँ मुझे घर जाना है। माँ जाना क्यों, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, नैतिक आ रहे हैं आज। उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं ना? नहीं दादू, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब सरप्राइज दे रहे होंगे। पर दीदी आपको कैसे? वो क्रेडिट कार्ड से ना उन्होंने टिकट बुक की है, उसका मैसेज आया है। आप पिछली बार का याद है ना, आप सब लोगों को मैं उधर चली गई थी और नैतिक यहाँ आ गए थे और उनका सरप्राइज खराब हो गया था। इस बार ना मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले ही चली जाऊंगी, 11 बजे तक ही लैंडिंग है, तब तक पहुंच जाऊंगी। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपनी अपनी खुशी में मैंने आप लोगों को उदास कर दिया। नहीं 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 अक्षरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोगों ने बहुत कुछ किया था मैम आपको खुश करने के लिए, गाजर का हलवा, कस्टर्ड, बड़ी दादी आपके साथ पूजा करने वाली थी और नाना जी ने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो आपके साथ बैठ कर बातें कर सके। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, I'm very sorry. आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे और मैं तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मैं काम करती हूँ, नैतिक को यही बुला लेती हूँ, वही ठीक रहेगा। ना बेटा
दूजा मायके और ससुराल से कहीं बढ़कर पति का साथ होता है, खास तौर पर ऐसे समय में। हाँ अक्षरा बेटा, तुझे जाना चाहिए। इन सब तैयारियों का क्या, ये सब चीजें तो तुझे बांध के दे देंगे। हाँ माँ, और क्या। चल मैं तुझे छोड़ने चलती हूँ, साथ में अपनी बहू को भी ले आऊंगी। ओहो, तो इसका मतलब वापस से एक्सचेंज प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली ना दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है। थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैनेजर साहब के जाने के बाद सारा बोझ आपके ऊपर आ गया है। वकील साहब, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। 10 दिन का काम भी अगर मुझे एक दिन में करना पड़े ना, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाना है जल्द से जल्द अपनी वाइफ और बेबी के पास। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, पर ये तो बताओ किसने क्या बनाया है। हम तीनों ने बनाया भाभी माँ, पर आप लोगों को ये बताना है कि किसका सबसे अच्छा है। तो तुम तीनों ने मिलकर एक ही तरह का नाश्ता बनाया है, और वो है भरवा पराठा। जी हाँ, ताकि कंपटीशन बिल्कुल फेयर हो। और अब आप सबको ये बताना है कि इसमें से किसका भरवा पराठा सबसे यमी है। शुरू हो जाओ। अब बताइए भी। अरे वाह, तीनों के बहुत अच्छे बने हैं। अब कौन सा ज्यादा टेस्टी है और कौन सा कम, ये बताना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट नमन, किसी का तो ज्यादा टेस्टी होगा ना, बताइए ना प्लीज। इजी है, कम ऑन, आप बताइए ना। अच्छा एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। छुट्टी महाराज, ये पराठा में मिर्ची कम है। जिसमें इसका इसका आटा थोड़ा कच्चा, ये थोड़ा मोटा। रहने दीजिए चिट्ठी महाराज, बहुत हो गया आपका। एक्चुअली चिट्ठी महाराज, आप जाइए, हमें नहीं चाहिए किसी का जजमेंट। गुस्सा इतना क्यों करता, जब हम खाना बनाता तो सब कितना कितना मिस्टेक निकालता, आज अपना बारी आया तो कितना यंगरी हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही कही। चिट्ठी महाराज, आपने बचा लिया, वरना इनमें से कोई एक खुश होता और दो नाराज हो जाते। भाई नमन, भाभी, अरे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अक्षरा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम सुबह सुबह। पहले आप अपने बहू के चेहरे की रौनक तो देखिए, उसके बाद ये सवाल कीजिए। जमाई सा आ रहे हैं। पर भाभी, मेरी तो भैया से आज सुबह ही बात हुई थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहेंगे कैसे, सरप्राइज जो दे रहे हैं। चलो अच्छा ही है, इतनी बेमन से गया था ना मुन्ना, जल्दी वापस आ रहा है। जी सो तो है। अच्छा आ गया, दीजिए चलती हूँ। रश्मि बेटा, तेरा सामान तैयार है ना। राशि बहन आप रुक जाइए ना, बेटी मायके में नहीं रुक सकती तो क्या हुआ, मायका तो उसके साथ यहाँ रुक सकता है। रुक जाइए ना, दिन भर हमारे साथ रहेगी, मन करे तो शाम को चले जाइएगा। हाँ माँ, रुक जाइए ना। बड़ी माँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, घर में बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। आप नहीं भी आती तो भी मैं निकलने ही वाली थी, पर आप रुक जाइए, दीदी को आपकी जरूरत भी है, मैं चलती हूँ। ठीक है तो फिर। जसमीत तुम ना बहुत क्यूट हो, इधर आओ। मैं सामान लेके आती हूँ। वैसे क्या क्या बना है खाने में, बहुत भूख लगी है।
अभी तक तो नैतिक को आ जाना चाहिए था, इतना लेट क्यों हो गया? फ्लाइट डिलेड है भाभी, 2 बजे आएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।